और अब इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, नाल में फिदाइन हमला, लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। ये बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता रहे, दरअसल एयरफोर्स की है मॉक ड्रिल। अब ये सोचिए, मॉक ड्रिल वहां पर की जा रही है एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन वहां पर लोगों को लगा कि फिदाइन हमला हो गया, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इलाके के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का संदेश दिया गया है। इलाके में ब्लैकआउट किया गया था, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी आपके पास? हालांकि कहा यह जा रहा है कि एयरफोर्स की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया था। देखिए दीपा, एक तो मैं बता दूं कि अब ये मॉक ड्रिल खत्म हो गई है। दरअसल आप जानते हैं बॉर्डर इलाका है भारत पाकिस्तान सीमा से सटा, और यहाँ पर नाल एयरफोर्स स्टेशन भी है, एयरफोर्स का बेस है, या एक तरह से कह सकते हैं आप स्टेशन है। तो यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की गई है, फियादीन हमले की को लेकर ये मॉक ड्रिल थी। एयरफोर्स के लोगों ने लोकल पुलिस को जरूर इतला की थी, इसके अलावा किसी को नहीं पता था। इसलिए जब ड्रिल शुरू हुई तो ये कहा गया कि लोग घरों से बाहर ना निकलें और लाइट भी बंद कर दें कुछ पर्टिकुलर इलाके में, जिसके चलते एक बार की लोग सहम गए, उन्हें लगा कि कहीं कुछ है तो नहीं। उसके बाद जो है इस मॉक ड्रिल को पूरे अंजाम दिया गया, जो उनकी मॉडस ऑफेंडी होती है उस हिसाब से, और उसके बाद जो है मॉक ड्रिल अब खत्म हो गई है। दरअसल इस तरह की मॉक ड्रिल लगातार की जाती है ताकि, क्योंकि ये इलाका और जिस तरह की टेंशन रहती है उसके बीच जो है अपने आप को एयरफोर्स चुस्त दुरुस्त रखती है, एक तरह से यूं कहिएगा, और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन है, जो दूसरी टीम्स हैं उनको लेकर भी ये मॉक ड्रिल। और लक्ष्मण, क्या अभी वहां पर मॉक ड्रिल, जैसे कि आपने भी कहा, खत्म हो चुकी है? ग्रामीणों को जानकारी दे दी गई है कि ये महज एक मॉक ड्रिल थी, डरिए मत, क्योंकि वहां पर लोगों के बीच दहशत काफी फैल गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल दीपा, उनको जानकारी दे दी गई है, बाकायदा मॉक ड्रिल समाप्ति की एक तरह से घोषणा होती है, तो वो उनको जानकारी दे दी गई है। इस मॉक ड्रिल में खास बात ये थी कि सिर्फ बेहद जो है ये गुप्त रखी गई थी, तकरीबन शुरुआती दौर में पता ही नहीं चला था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ और ये घोषणा की गई घरों से बाहर ना निकले, लेकिन अब जो है पूरी मॉक ड्रिल सफल रही है। ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।